हमने खाई आइसक्रीम और बच गई दोस्ती। अब चॉको फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ये मुझे बहुत पसंद है। चॉको आइसक्रीम लगता है मसाओ तुम्हारे लिए ही बची हुई थी बस। ये आखिरी चॉको चिप्स थी, मुझे भी यही खानी थी। मुझे तो खाने में कुछ भी चलेगा। सुनो मसाओ, हाँ क्या? मुझे चॉको फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। नैनी, लेकिन ये तो मैंने अपने लिए ली है ना। आ, देखो वो क्या है। हाँ, ये मौका है। नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। वो आइसक्रीम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मुझे नहीं मिल रही। मेरी चॉको फ्लेवर्ड आइसक्रीम कहाँ है? मिल गई क्या? हाँ कजामा, बस यही मिला है। क्या हुआ मसाओ? लेकिन आइसक्रीम तो इसके अंदर है ही नहीं। ये खाली है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मिल गई? ये पत्थर राइस बॉल जैसा है। मैंने तो सोचा था आइसक्रीम होगी। ये नहीं है कोई आइस, ये तो है राइस। चोको आइसक्रीम, चोको आइसक्रीम, चोको आइसक्रीम। देखो मुझे ये बर्तन मिला है, जब हम अगली बार ऑफिस ऑफिस खेलेंगे तो ये हमारे बहुत काम आएगा, है ना? कोई भी उस आइसक्रीम को ठीक से नहीं ढूंढ रहा है। मसाओ उस वक्त उस आइसक्रीम के साथ वहाँ खड़ा था। अरे बस, अरे क्या हुआ? मिल गए। सच में? इसे जरूर कोई खिलौना या फिर कॉमिक मिली होगी। बस बहुत हो गया, सब लोग उस चॉको आइसक्रीम को ध्यान से ढूंढो। चलो देखे शिनचैन को क्या मिला है। हमें नहीं देखना। जब तक ये लोग मेरे पास ऊपर पहुँचेंगे तब तक मैं इसे खत्म कर लूँगा। हाय मसाओ, अगर तुम्हें मिल गई थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया तो था। हाँ, इसने बताया तो था, लेकिन शिनचैन, क्या मेरी चॉको फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिली? पर वो तो मेरी थी। नहीं मिली नैनी, लेकिन हमें जल्दी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये पिघलती जा रही है। इसे अब जल्दी से खा लेना चाहिए। अरे वाह, कितना अच्छा टेस्ट है। मिल गया, आखिरकार मुझे भी मिल गया। ये तो आइसक्रीम नहीं है, तुम्हें भी शिनचैन की तरह चॉको चिप्स का पैकेट मिल गया। अरे ये पैकेट तो काफी नरम लग रहा है बो। चलो एक काम करते हैं, हम कहीं बैठकर ये चॉको चिप्स खा लेते हैं। सही कहा। तुम दोनों वहाँ बैठ कर क्या खा रहे हो? तुमने चॉको फ्लेवर वाली आइसक्रीम तो नहीं खाई ना? वो मेरी है, समझ गए? वो तो मेरी है। आइसक्रीम नहीं, हम चॉको चिप्स खा रहे हैं। मेरी आइसक्रीम तो इतनी जल्दी खत्म हो गई, अब मुझे घर जाकर सोना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो शिनचैन, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। कजामा तुमने तो ढूंढ ही लिया। ये तो वही आइसक्रीम है। चलो हमें नैनी को बताना चाहिए। नैनी, क्या हुआ? नहीं नहीं नैनी, कुछ भी नहीं मिला। तुमने ऐसा क्यों किया? देखो दोस्तों, ये चॉको आइसक्रीम उन दोनों को पसंद है। अगर इस आइसक्रीम को हम उन दोनों के पास लेकर जाएंगे तो वो दोनों इसके लिए लड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने सही कहा। अगर उन दोनों की लड़ाई रोकनी है तो मुझे ये चॉको चिप्स खानी ही होगी। कजामा, तुम नहीं खा सकते। अगर हम ये नैनी को देते हैं तो मसाओ को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मसाओ को जाकर देते हैं तो नैनी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। समझ नहीं आ रहा अब इस आइसक्रीम का हम क्या करें। कजामा कितना परेशान है, अब मैं क्या करूं?
अरे शिनचान, क्या तुम इस पैकेट को खोल रहे हो? इस आइसक्रीम को खत्म करने से परेशानी भी खत्म हो जाएगी, क्यों है नहीं? मैं पहले से ही जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे शिनचान। क्या हुआ? क्या तुम्हें आइसक्रीम मिल गई है? हम अभी ढूंढ रहे हैं मसाओ। सच में? वो हमारी तरफ आ रही है। ये लो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया रहा है। ये तुमने क्या किया? सारे सबूत मिट गए हैं। अगर चौको वाली आइसक्रीम मिले तो मुझे देना। हाँ। अब हम क्या करें दोस्तों? कसम है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अरे तुम कहना क्या चाहते हो शिनचान? नहीं। अच्छा ठीक है कजामा, हमें कोशिश करनी है कि मसाओ और नैनी की दोस्ती कभी भी ना टूटे। बात तो सही है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जैसा तुम ठीक समझो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुनो, अब क्या करें? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुमने चोको फ्लेवर आइसक्रीम खाई है, अब तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। मुझे लगता है मसाओ और नैनी अभी भी उस आइसक्रीम की तलाश में होंगे। शिनचान और वो चैन, सुनो, हम कुछ और ढूंढते हैं, शायद उन्हें देने के लिए हमें कुछ मिल जाए। देख, ये मुझे उस जगह पर मिली है। नैनी, वो क्या तुम इसे खाओगे? ये तो वो आइसक्रीम नहीं है। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, क्योंकि अगर चॉकलेट आइसक्रीम मिली तो वैसे भी नैनी छीन लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात मानो, तुम दोनों इसे मिलकर खा लो, वरना ये पिघल जाएगी। क्यों, है ना? वरना हमें इसे भी खाकर खत्म करना होगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मेरी चॉको आइसक्रीम पता नहीं कहाँ चली गई। वो मेरी थी नैनी। अरे कोई बात नहीं मसाओ, अब तक तो वो पिघल भी गई होगी, किसी के पेट में होगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। हे मसाओ और नैनी, देखो ये आसमान कितना बड़ा और सुंदर है, और इसके आगे आइसक्रीम कितनी छोटी सी चीज है। वो तो बैठने से छोटा हो गया था। देखो आइसक्रीम जैसी छोटी सी चीज के लिए दोस्ती को तोड़ना ये बहुत ही गलत बात होती है। हमें हर चीज को मिल बांट कर खाना चाहिए, इससे दोस्ती और मजबूत होती है। हाँ कजामा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कजामा। इसे खाने के बाद हम चॉको आइसक्रीम को दोबारा ढूंढेंगे। हाँ ठीक है नैनी। अरे रुको तो, क्या तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे कॉलर पर क्या लगा हुआ है? ये ब्राउन कलर का है, इसका मतलब